प्रेम नहीं, मैं सीख गया। चलाया है? कब चलाया भाई? उस दिन स्कॉर्पियो को चला रहा था। मैं देखा नहीं हूँ ना भाई, लोग मेरे पीछे पीछे क्या क्या चला रहे हैं मेरे को पता भी नहीं चलता है। लो भाई स्टार्ट कर चुके हैं हमारे सेट फिर से। ले बंद कर दे रहा है मेरे को, मत देख उसको आगे सरप चला, शर्मा मत। देखो अंबिकापुर आया और यहाँ हो गया सट्टा जाम, अभी स्टॉप में रुके हुए हैं। अभी मैं जा रहा हूँ एक बारी चन्ना खा लेने, क्योंकि अभी गर्मी के दिन में ही सब खाना चाहिए। तो जा रहा हूँ वहाँ पर। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे एक बारी मैं जा रहा हूँ आज अंबिकापुर पापा जी के साथ, तो रोहन को देख रहा हूँ कहाँ है घर के नीचे, जा रहा हूँ पुराने घर में कार लेने के लिए। तो रोहन को ले जाऊँगा, उसको चलवा के ड्राइव करके लाऊँगा कार। कहे ना कि मैं रहूँगा साथ में तो चला, मतलब सिखाना भी उसको ज़रूरी है, अभी सीख जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। पर मैं साथ में रहूँगा तभी उसको ड्राइव करने दूँगा गाड़ी। तो ठीक है, चलते हैं कार लेने के लिए, उसके बाद निकलेंगे अंबिकापुर के लिए। तो ब्लॉग के इन तक बने रहिएगा, दिखाता हूँ आज का सारा सीन आपको। और जी गाइस, मैं गाड़ी तो निकाल ली हूँ और रोहन लोग पीछे हैं, देख लो गेट बंद कर रहे हैं, वही गाड़ी चलाएगा। मैं इस साइड आ जाता हूँ बगल में। देखो गाड़ी में एक तो नहीं रहता है, उस दिन एक आदमी बोतल नहीं रहता, एक तो भी रहता था, दो दो बोतल बोतल फेंक आया हुआ है। ये लो, आज मैं नहीं बताऊँगा, खुद से स्टार्ट कर। तू चलाएगा प्रेम? नहीं मैं सीख गया। चलाया है? कब चलाया भाई? उस दिन स्कॉर्पियो को चला रहा था। मैं देखा नहीं हूँ ना भाई, लोग मेरे पीछे पीछे क्या क्या चला रहे हैं मेरे को पता भी नहीं चलता है। लो भाई स्टार्ट कर चुके हैं हमारे सेट फिर से। ले बंद कर दे रहा है मेरे को, मत देख उसको आगे सरप चला, शर्मा मत। आराम से चलना ना भाई, धीरे। तू चलाएगा बाबू? हाँ आजा चलाएगा, तू तो जान रहे भाई चलाने, तेरे को भी सिखा देता हूँ, आजा। सीख गया है? सीखा नहीं होगा, बस बोल रहा है ब्लॉग के चलते। सीखा यार? थोड़ा बहुत चला ले। बता तू कितने गाड़ी में कितने गियर होते हैं भाई? सामने से गाड़ी आ रहा, धीरे चल, धीरे चल बॉस। ये गाड़ी चलाने जाओगे ट्रैक्टर? भाई भाई मैं ट्रैक्टर तो मेरे को नहीं आता है चलाना यार, तुम लोग कैसे जान गए? कितना गियर होता है बताया था गाड़ी में बाबू? 5 गियर होता है, एक रिवर्स गियर है। इसका रिव्यू में स्कॉर्पियो में भी वही सेम है ना भाई? जीटी मस्टैंग में दूसरा है। अरे बाप, जीटी मस्टैंग का बात कर रहा है, ये अपने एरिया में है ही नहीं गाड़ी। वो यूट्यूब से देख देख के सब गाड़ी लोग का नाम पता चल जा रहा है लोग, है ना? हमारे लिए तो गाइस यही जीटी मस्टैंग है भाई, यही है जो भी हमारे पास, छोटा मोटा कार, आल्टो कार। लो जी मंदिर के पास पहुंच गए और ना प्लीज। गियर बढ़ा ले, देखना सामने आ रहा है गाय। अरे कहाँ है तेरा स्टीयरिंग? नहीं लग रहा था कि गियर लगा, फिर से थ्री गियर लगा। तो जैसे टेलर आई वाले लोग में नहीं लगाते हैं गियर, वैसे लगाता है, बहुत हंस रहा है। देखो भाई 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 धीरे कर, दो गियर में रख, एक गियर लगा लिया, चल ठीक चलेगा। इधर उधर मत देखना, अपने साइड में देखना ना, अनुभव से चलाना। हंस रहा है देख, सही चीज बोल रहा हूँ कि गलत बताएगा बाबू? सही चीज। तो लो यार, हम लोग के नया घर के पास हम लोग पहुँच गए। हम लोग के घर से वही 2 किलोमीटर दूर है, ज्यादा दूर नहीं पड़ता है।
तुरंत तुरंत आ जाते हैं। यहाँ से देखो 500 मीटर बाद हम लोग का एक और घर जहाँ हम लोग रहते हैं अभी। अब नया घर में देख लो, ऊपर का डिजाइन दिखाओ आपको, ये लो गाइस। चल चल चल, तू भी जाएगा अंबिकापुर? तू जाएगा? नहीं नहीं, चलना यार। अमन कहाँ है? अमन सतनगर से है। सतनगर गया है? नहीं तो उसी को ले जाता। कोई नहीं, ये लोग बहुत हंसते हैं ना, शर्माते भी है दोनों ब्लॉग में। कर ले भाई, धीरे कर ले, गाय लोग दौड़ जाएंगे नहीं तो। देख गाड़ी आ रहा होगा ना मोड़। चल बहुत गाइस, हम लोग घर के पास पहुंच चुके हैं, तो डायरेक्ट आपको मिलता हूँ अंबिकापुर। देखो अंबिकापुर आया और यहाँ हो गया सट्टा जाम। अभी स्टॉप में रुके हुए हैं, अभी मैं जा रहा हूँ एक बारी चन्ना का लेने, क्योंकि अभी गर्मी के दिन में ही सब खाना चाहिए। जा रहा हूँ वहाँ पर। तो गाइस आ चुके हम लोग चन्ना भैया के पास, ये बन रहा है खाना, उसके बाद जो जाऊँगा गाड़ी में बैठ के। हेलो भाई, इधर स्टॉप लग गया, कोई नहीं सर, गाड़ी आ गई। कुछ दिन बाद अपना भी रोल ऐसे ही सुनने वाला है भविष्य में, जान अब भगवान के ऊपर है क्या क्या नहीं। दो ठो पैक कर दीजिएगा ना। तो भाई क्या है ना, मैं जब भी आता हूँ हमेशा भैया के पास खाना खाता हूँ, खाना अच्छा खिलाते हैं। जगह वहाँ आपका कोर्ट के पास है, यहाँ वही जगह जाना अच्छा मिलता है। ये इतना भीड़ कहाँ है बताऊँ, यहाँ पे कहाँ है, क्योंकि अमरजीत भगत ना अभी तुरंत गए हैं, जबकि अभी इलेक्शन का टाइम है ना, तो रैली चल रहा है, इधर उधर जाना बहुत रहा है। जब तुम चाहना पैक कर ले आए, अब जा रहे हैं कार में बैठ के खाऊँगा, पापा आ जाएंगे उसके बाद निकलेंगे। गाइस कार में बैठे बैठे बोर हो जा रहा था, फिर कार से बाहर निकल गया। अभी सामने हमारा भाजपा स्वीट्स, यहाँ चलते हैं आइसक्रीम लेने। इधर चलता हूँ, पार कर लेता हूँ तो ठोकर खा जाऊँगा। ठीक है, दो ठो आइसक्रीम ले दी, अब चलते हैं कार में। अब कार वहाँ पर खड़ा है, चलते हैं। पापा पापा जी भी आ गए होंगे, चलते हैं कस्कार। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं गोदरी मार्केट में, चावल लेने के लिए। चावल हम लोग का चावल यहीं से जाता है, बहुत सारा चावल। और जी गाइस गाड़ी के पीछे देखो चावल रख दिए हैं, बस दो ही कट्टी ले जा रहे हैं अभी फिलहाल, और ये अलग से ले जा रहे हैं, वो भी दूसरा चावल चाहिए। ठीक है गाइस, अब इसको बंद कर देता हूँ, पापा आ जाएँ, उसके बाद हम लोग घर निकलेंगे। तो घर जाऊंगा हम सोनू भाई के भी पास जाऊंगा आज। ठीक है, घर चलेंगे यहाँ से। और जी गाइस हम लोग शादी से लौट रहे हैं। भाई कैसा था खाना पीना बताओ अमन? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा था। देखो सोनू भाई हमारे ड्राइव कर रहे हैं। अरे भाई देखो अस्थत क्या था, अंबिकापुर गया था ना, इन गाड़ी में ड्राइव किया था, तो मैं बोला भाई तू चला, तो भाई चला रहा है। हम लोग भैया थार से लौट रहे हैं गाइस अभी। तो इस ब्लॉग को करता हूँ ये पर एंड। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय गाइस।